बली दे दी, मेरे तीन तीन गोलियां तो बच्चों लिख में रोया नहीं। मैं तो तोड़ दी, मैंने तो पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, पार्टी ने सर्वे करा दी मेरे को टिकट दी थी कि गोसे वगैरह समाज से भी हो। अरे मेरे पे गोली चलाते, मेरे को मार, मेरी माँ को मार दिया, मेरे को पूरा यकीन है इस व्यभिचारी ने, मेरे को पूरा यकीन से मैं कह सकता हूं, मेरे को पूरा शक है कि मेरे जो प्रत्याशी है सनातन विरोधी है, ये उसका हाथ है। जांच होनी चाहिए, पूरा बोर्ड बैठना चाहिए। वो माता जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहीं पे है, मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार या सेंट्रल सरकार स्पेशल बोर्ड बनाया, इतनी तंदुरुस्त गौ माता जो दूध दे रही है, बछड़ा एक साथ में उनका, और धनतर सुन दे उनको शीर कर, मेरे को मालूम गोलियां कितनी मार रही है, मैं टूटा नहीं आज तक। आप सबको पता है कि समाज सेवा करता हूं, मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं गए, आज मेरी मां की हत्या हो गई। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा दो महीने पहले एक विशेष समुदाय के लोगों का आपस में एक्सीडेंट होता है और फोन करके हमलावरों को बुलाया जाता है और आत्मरक्षा के अंदर 10-15 लोग जब मरते हैं तो पता नहीं चलता कौन किसके मारता है, कौन किसके मारता है, भलवा बोलते हैं उसको। उस परिवार के ऊपर हत्या का मुकदमा करते हैं, 10 परिवार के मेंबर जेल में, और जो सरिया लेके आया था उसको आप 51 लाख मत समझिए, उसको लगभग 2 करोड़ रुपए की सहायता दी है, 2 करोड़ रुपए, 51 लाख रुपया